Hello and welcome to Planet Bollywood at One, a show where you can watch Bollywood actors at the latest haunts and jaunts. तो बिना वक्त गवाए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सलमान की अनोखी विश, पकड़ा गया वरुण धवन का सफेद झूठ, सुल्तान से रिलेटेड सवाल को टाल गई कृति सनोन, लगातार फ्लॉप से घबरा गए हैं रणबीर कपूर। अगर सच में बजरंगी आपके सामने आ जाए तो आपकी पहली विश क्या होगी? कि यहाँ से तुरंत निकल जाऊं। सलमान खान की इस दुआ के बारे में उस समय पता चला जब बजरंगी भाईजान पूरी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे अपनी फिल्म को प्रमोट करने। यहाँ जब सलमान से पूछा गया कि आखिर उनमें ऐसा कौन सा चेंज आया है जिसकी बदौलत 2008 में आई फिल्म वांटेड के बाद उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, तो इस सवाल का जवाब भी सलमान ने अपने ही अंदाज में दिया। वो चेंजेस मेरे में नहीं आए, मैं वैसे ही था, चेंजेस आप लोगों में आए। ज्यादा खुश मत हो कि वो चेंजेस आए हैं आप में, मेरे वजह से ही। सलमान खान की लास्ट रिलीज किक ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, ऐसे में क्या बजरंगी भाईजान किक के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? कोशिश ये यही होती है ना कि रिकॉर्ड तोड़े, ये तो इसलिए तो पिक्चर नहीं बनती कि लास्ट पिक्चर किक ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब इस बार हमको सबसे बड़ी फ्लॉप चाहिए। इस इंटेंशन तो ये होता है कि पिछले वाली का रिकॉर्ड तोड़ें, जैसे आपका पिछले वाले बॉयफ्रेंड से आप छोड़ती बॉयफ्रेंड को इसलिए ताकि आपको आगे जाके बेटर बॉयफ्रेंड मिले। सलमान के बाद करीना से पूछा गया सवाल, और सवाल था कि करीना के लिए कमर्शियल सक्सेस ज्यादा मायने रखता है या फिर क्रिटिक्स का अक्लेम, और इस बात का जवाब करीना ने तो दिया लेकिन उनके साथ सलमान भी इशारों में बहुत कुछ बोल ही गए। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है बजरंगी भाईजान, दैट ही इज डूइंग दिस, ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दिस। यहाँ मौजूद एक मीडिया पर्सन के नाम को लेकर भी सलमान ने की मस्ती। सलमान हेलो, हाय, मैं उपमा हूँ नौबारे टाइम से। उपमा सुबह को क्यों नहीं मिली थी आप मुझे? शाम को मिल गई। अच्छा आप ही फ्लाइट में आप ही थी? वेल तो कुछ यूं रहा ये इवेंट जहां सलमान की कही हर बात बन गई हाईलाइट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मोबाइल। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रदर्स वाज ऑफर्ड टू यू फर्स्ट देन इट वेंट टू सिद्धार्थ, बट टेल प्लीज क्लेरिफाई, टेल अस मोर अबाउट दैट। नो, देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ। पकड़ा गया वरुण धवन का झूठ, सफेद झूठ बोल रहे हैं वरुण धवन, अपनी ही बात से मुकर रहा है बॉलीवुड का ये हीरो। अब आपको बताते हैं कि हम किस झूठ की बात कर रहे हैं। एक बार फिर वरुण से पूछा गया ये सवाल और उनका जवाब सुनिए। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रदर्स वाज ऑफर्ड टू यू फर्स्ट देन इट वेंट टू सिद्धार्थ, बट प्लीज क्लेरिफाई, टेल अस मोर अबाउट दैट। नो, देयर इज नो ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ। वरुण धवन ने साफ कह दिया है कि ब्रदर्स के सिद्धार्थ से पहले उनको ये फिल्म ऑफर होने की खबर में नहीं है कोई भी सच्चाई, पर हम आपको दिखाते हैं खुद वरुण का कबूलनामा। लेने वाले थे ब्रदर्स में, पर छोटा ब्रदर हाइट के वजह से, वो बड़े ब्रदर की कहानी तो छोटे ब्रदर की वजह से नहीं कर सकता। Now he's eating us dance inside. एक बार फिर सुनिए वरुण की ये बात। लेने वाले थे ब्रदर्स में, पर छोटा ब्रदर हाइट के वजह से, वो बड़े ब्रदर की कहानी तो छोटे ब्रदर की वजह से नहीं कर सकता। Now he's eating us dance inside. कुछ दिनों पहले वरुण ने खुद कहा था कि ब्रदर्स उन्हें हुई थी ऑफर, पर अपनी कम हाइट के चलते उन्हें इस फिल्म से धोना पड़ा हाथ और उनकी जगह आ गए सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब आप खुद ही तय कीजिए वरुण कि हम आपकी किस बात पर यकीन करें। आप खुद ही हमें बताइए कि कब आप झूठ बोल रहे थे और कब सच। अगर ब्रदर्स के आपको ऑफर होने की खबरों में सच्चाई नहीं है तो फिर आपका ये कन्फेशन क्या था? No, that's no, that's no, true, true.
वेल, इस बार आप अपनी ही बातों में फंस गए हैं वरुण, इसीलिए हम आपको देते हैं मुफ्त में एक सलाह कि अगली बार झूठ बोलो तो ऐसा कि पकड़े ना जाओ। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। सुल्तान में सलमान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने में कृति सनोन का भी आ रहा है नाम, पर कृति इस बारे में अभी कुछ भी बोलने को नहीं है तैयार। इनफैक्ट जब घुमाकर कृति से सुल्तान के बारे में कुछ बुलवाने की कोशिश की तो वो करने लगी इग्नोर। सुल्तान के बारे में भले ही कृति अब कुछ भी नहीं बोल रही है, पर खान्स के साथ काम करने की ख्वाहिश उनके होठों पर आ ही गई। आई एम रियली ब्लेस्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद शाहरुख सर सो सून इन माय करियर, एंड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद आमिर सर एंड सलमान। शाहरुख खान के साथ तो कृति काम कर ही रही है और सलमान के साथ सुल्तान में काम करने की पॉसिबिलिटीज भी अभी खत्म नहीं हुई है, तभी तो अपने ही अंदाज में सलमान तक पहुंचा रही है कृति अपनी बात। आई थिंक दैट सॉन्ग ऑफ मुझसे शादी करूं उस टाइम हम सबको याद है, और हम सबने कभी ना कभी किया हुआ है किसी ना किसी पार्टी में टॉवल और चुन्नी और व्हाटएवर, सो आई थिंक टॉवल का बेस्ट यूज वहां पे किया गया। हम उम्मीद करते हैं कृति कि शाहरुख खान के बाद सलमान के साथ काम करने का आपका सपना भी सुल्तान के साथ पूरा हो जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। लगता है बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप्स और अपने करियर में आए लो की वजह से अब रणबीर कपूर डर गए हैं, और शायद इसीलिए वो अपने करियर को रिवाइव करने के लिए लेना चाहते हैं सहारा अवार्ड विनिंग और क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर्स का। पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर सुजित सरकार की, जिनकी अगली फिल्म में दिखेंगे रणबीर कपूर। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर ने हिट फिल्म मेकर सुजित सरकार की अगली फिल्म साइन कर ली है। फिलहाल इस फिल्म से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन सुनने में ये आया है कि रणबीर कपूर डिडंट थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग यस टू दिस प्रोजेक्ट। सूत्रों के मुताबिक रणबीर कपूर इज डेस्परेटली ट्राइंग टू कम बैक इन द गेम, और जिसके लिए वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते। रणबीर की पिछली फिल्म को देख के ये तो क्लियर है कि बेशरम और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्म्स में काम करने का एक्सपेरिमेंट डिडंट रियली वर्क इन रणबीर्स फेवर, और इसीलिए अनुराग बासु और इम्तियाज अली की फिल्म्स खत्म करने के बाद रणबीर सुजित की फिल्म पर काम शुरू करेंगे। फौरिलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम मोबाइल। करीना कपूर के साथ काम करने को लेकर फवाद की विश के बारे में जूम आपको पहले ही बता चुका है, और अब फवाद ने जूम की इस खबर पर लगा दी है सच्चाई की मोहर। वो हमारी एक फिल्म सेट से थी, वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म, देन यू गाइस गॉट दैट पिक्चर। नो, शी वाज प्रमोटिंग फॉर बजरंगी भाईजान एंड आई वाज डूइंग अ फोटो शूट, सो वी हैपेंड टू मीट ईच अदर एंड दैट पिक्चर गॉट क्लिक्ड। जहां तक फिल्म करने का ताल्लुक है, आई वुड लव टू वर्क विद सच अ टैलेंटेड एक्टर सच एज करीना हिमसेल्फ। आई थिंक शी इज has a great body of work behind her. इन दिनों फवाद खान धर्मा प्रोडक्शंस की कपूर एंड सन्स के शूट में बिजी हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से मीडिया में फवाद के कई और फिल्म्स भी साइन करने की खबरें आ रही थी, लेकिन फवाद ने ऐसी सभी खबरों को ठहरा दिया गलत। I'm working on a project currently which is being directed by Shakun Batra. It's called Kapoor and Sons. Other than that, I'm in, you know, in discussions with other filmmakers, but nothing as yet has been penned down or concretized. Well, Fawad, भले ही आपको ऑफर की गई इन फिल्म्स में करीना के ऑपोजिट कोई फिल्म ना हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको बेबो के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल सके। फॉर इलीका श्रीवास्तवा थापा, जूम मुंबई। कंगना के मुताबिक बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को नहीं मिलती अच्छी फीस। It's not that I have more than 365 days in life. What they pay us is not justified. It's just almost like peanuts, you know. It's not justified at all. क्वीन के इस जवाब को डिफर कर रही है करीना कपूर खान। क्या कहा एक्ट्रेसेस की फीस पर करीना ने, दिखाएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।